Hello friends, welcome to my solutions. यह वीडियो लिनक्स फाइल परमिशन सीरीज का सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने फाइल परमिशंस का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था कि फाइल परमिशंस क्या होती है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनका मीनिंग क्या होता है, क्यों उनको यूज किया जाता है, यह सब हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। इस वीडियो में हम फाइल परमिशंस को अप्लाई कैसे करते हैं, किसी फाइल या डायरेक्टरी पर परमिशंस को अप्लाई कैसे किया जाता है, ये इस वीडियो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी फाइल या डायरेक्टरी पर परमिशंस को अप्लाई करने के कितने तरीके होते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप परमिशंस को किसी फाइल या डायरेक्टरी पर दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है एक्सप्लिसिटली, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो सिंबॉलिक मोड, और सेकेंड मेथड है बाइनरी रेफरेंस, उसे आप न्यूमेरिक मोड भी कह सकते हैं या फिर ऑक्टल मोड भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सिंबॉलिक मोड से परमिशंस को अप्लाई कैसे किया जाता है, ये इस वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिक मोड में या बाइनरी रेफरेंस से परमिशंस को अप्लाई कैसे किया जाता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं सिंबॉलिक मोड से या एक्सप्लिसिटली फाइल परमिशंस को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो सिंबॉलिक मोड में परमिशंस को अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले सीखना होगा कि परमिशंस ग्रुप और परमिशंस टाइप्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो परमिशंस ग्रुप जो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि तीन तरह के ग्रुप होते हैं, ओनर ग्रुप और ऑल अदर यूजर्स, ये तीनों परमिशंस ग्रुप है। परमिशंस टाइप्स होती है रीड, राइट, एग्जीक्यूट। तो ओनर को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्रुप को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ऑल अदर यूजर्स को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यहां पर दो चीजें आपको दिख रही है, देखिए सामने ऑल अदर यूजर्स और ऑल यूजर्स, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑल अदर यूजर्स में वो यूजर आते हैं, वे यूजर आते हैं जो न तो उस फाइल के ओनर है, नहीं उस ग्रुप के मेंबर हैं जो उस फाइल या डायरेक्टरी को असाइन किया गया है, ठीक है। जैसा हमने कल देखा था, लास्ट वीडियो में देखा था, ऑल यूजर्स में कौन कौन से यूजर आते हैं, ऑल यूजर्स में ओनर भी आता है, ग्रुप भी आता है, और ऑल अदर यूजर यानी सभी तरह के यूजर ऑल यूजर्स में आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपको सभी यूजर पर एक जैसी परमिशन अप्लाई करनी है तो आपको यूज करना पड़ेगा ए, ठीक है, यानी ऑल यूजर्स को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद परमिशन टाइप्स, तो रीड को, रीड परमिशंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट परमिशंस को स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, एग्जीक्यूट को स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में परमिशंस किसी फाइल या डायरेक्टरी पर परमिशंस असाइन करने के लिए तीन तरह के ऑपरेटर यूज होते हैं, प्लस, माइनस और इक्वल। अगर आपको किसी फाइल या डायरेक्टरी पर परमिशंस ऐड करनी है किसी यूजर के लिए तो आपको प्लस यूज करना है। अगर आपको किसी फाइल या डायरेक्टरी पर परमिशंस रिमूव करनी है किसी यूजर के लिए तो आपको माइनस ऑपरेटर यूज करना है। अगर आपको परमिशंस रिप्लेस करनी है यानी जो पहले से एग्जिस्टिंग परमिशंस हैं उनको आपको रिप्लेस करना है विथ न्यू वन, तो उसके लिए आपको असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना होता है इक्वल, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं जैसे सिंटेक्स, अगर आपको परमिशंस ऐड करनी है किसी फाइल या डायरेक्टरी पर तो उसके लिए सिंटेक्स क्या रहेगा, chmod कमांड का। chmod कमांड का यूज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में परमिशंस असाइन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है chmod, उसके बाद परमिशंस ग्रुप, उसके बाद प्लस ऑपरेटर, उसके बाद परमिशन टाइप्स यानी किस तरह की परमिशंस आप उसको असाइन करना चाहते हैं, और उसके बाद उस फाइल या डायरेक्टरी का नेम आपको टाइप करना है जिस फाइल या डायरेक्टरी पर आप परमिशन असाइन करना चाहते हैं। अगर आप परमिशन रिमूव करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको प्लस की जगह माइनस यूज करना है, बाकी जो सिंटेक्स है chmod कमांड का वो सेम रहेगा।
तो यहां पर परमिशंस ग्रुप में आएंगे ओनर ग्रुप और ऑल अदर यूजर्स। परमिशन टाइप्स होते हैं रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, तो चलिए हम इनको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे परमिशंस ऐड करते हैं, कैसे परमिशंस रिमूव करते हैं और कैसे परमिशंस को रिप्लेस किया जाता है। इनको हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। उसके बाद यहां पर मैंने ऑलरेडी एक डेमो डायरेक्टरी क्रिएट कर रखा है, तो सबसे पहले उस डायरेक्टरी में मूव कीजिए /etc/mysolutions। उसके बाद इस डायरेक्टरी का कंटेंट चेक कर लीजिए ls-l। तो इस प्रैक्टिकल के लिए मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूं mkdir-mydir। ठीक है, ये एक मैंने डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। अब मैं इस डायरेक्टरी के अंदर मूव करता हूं ls-l। अभी इसके अंदर कोई भी सब डायरेक्टरी नहीं है, तो मैं एक डायरेक्टरी इसमें क्रिएट कर देता हूं mkdir testdir और एक फाइल क्रिएट कर देते touchabc.txt। तो देख लीजिए यहां पर टेस्ट डीआईआर डायरेक्टरी है, उस पर डिफॉल्ट परमिशन है RWX, RX और RX। इसका मतलब है ओनर को फुल परमिशंस है RWX, RX और RX। ठीक है, ओनर को फुल परमिशंस है RWX की रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की, ग्रुप को इस पर परमिशन है रीड एंड एग्जीक्यूट की और ऑल अदर यूजर्स को भी इस पर परमिशंस है रीड एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, तो अब मैं इस डायरेक्टरी पर टेस्ट डीआर डायरेक्टरी या फिर सबसे पहले abc.txt फाइल देख लीजिए। तो abc.txt फाइल पर ओनर को परमिशन है RW की यानी रीड एंड राइट की। ठीक है, और ग्रुप को परमिशन है रीड ओनली की और ऑल अदर यूजर्स को परमिशन है रीड ओनली। ठीक है, तो अब इस फाइल पर मैं ओनर को फुल परमिशन असाइन करना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जिट करना होगा chmod। आर रीड एंड राइट पहले से है इसलिए मैं यहां पर एड करूंगा x। RW रीड एंड राइट परमिशन पहले से है। ठीक है, तो u+x और उसके बाद उस फाइल का नेम आपको टाइप करना है। तो ओनर को हमने परमिशन असाइन की एग्जीक्यूट की। तो यहां पर हमने प्लस ऑपरेटर यूज किया। प्लस ऑपरेटर क्या करता है कि जो एग्जिस्टिंग परमिशन है उनको रिप्लेस नहीं करता है, एंड एग्जिस्टिंग परमिशन होगी उनके साथ में हम जो न्यू परमिशन असाइन करेंगे उसको उनके साथ में एड कर देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप इक्वल यूज करते हैं तो ये क्या करता कि पुरानी परमिशन को रिप्लेस कर देता, जैसे ओल्ड परमिशन थी RW। ठीक है, उसकी जगह आपको कौन सी परमिशन मिल जाती ओनर को, सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन। ठीक है, तो यहां पर हमने प्लस ऑपरेटर यूज किया है, तो देख लीजिए कि उस फाइल को क्या परमिशन असाइन हुई है। तो देख लीजिए यहां पर RWX रीड राइट एंड एग्जीक्यूट एंड ओनर को फुल परमिशन असाइन हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद ग्रुप को, अगर आपको ग्रुप को परमिशन असाइन करना है तो वो कैसे करेंगे, जैसे ग्रुप को मैं ग्रुप को भी रीड ओनली की ओनली रीड ओनली परमिशन है उसको मैं फुल परमिशन असाइन करना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको कमांड एक छोड़ना होगा chmod g फॉर ग्रुप g+r की रीड ओनली परमिशन पहले से है, तो अब W और X की परमिशन मैं यहां पर असाइन करना चाहता हूं। फिर उस फाइल का नाम चेक कर लीजिए। तो देख लीजिए ग्रुप को भी यहां पर फुल परमिशंस असाइन हो चुकी हैं। पहले रीड ओनली परमिशंस थी, अब यहां पर आपको फुल परमिशन असाइन हो चुकी हैं। उसी तरह ऑल अदर यूजर्स को यहां पर परमिशंस है रीड ओनली की। ठीक है, तो मैं इसको रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन असाइन करना चाहता हूं ऑल अदर यूजर्स को, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा chmod o+abc
ओ प्लस एक्स स्पेस एबीसी डॉट टीएक्सटी, तो ऑल अदर यूजर्स को रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन हो चुकी है। रीड की पहले से थी, हमने एक्स की एंड एग्जीक्यूट की परमिशन अलग से एड की है, तो उसकी जो परमिशन हो गई ऑल अदर यूजर्स की वो हो चुकी है रीड एंड एग्जीक्यूट। चेक कर लीजिए, तो देख लीजिए ऑल अदर यूजर्स को यहां पर परमिशन है रीड एंड एग्जीक्यूट, ओल्ड परमिशन थी रीड ओनली, ठीक है। तो इस तरह आप ओनर ग्रुप और ऑल अदर यूजर्स को आप परमिशन ऑल अदर यूजर्स के लिए आप परमिशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको परमिशन रिमूव करनी है, ठीक है, अब जैसे आपको कोई परमिशन रिमूव करनी है ग्रुप के ओनर के लिए, ठीक है, तो जैसे ओनर को डिफॉल्ट परमिशन थी रीड एंड राइट, ठीक है, उसको एक्स की परमिशन नहीं थी यानी एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं थी, ठीक, तो मैं यहां पर जो अभी जो उसको परमिशन हमने असाइन की रीड एंड राइट, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट परमिशन मैं रिमूव करना चाहता हूं, वो कैसे करते हैं वो देख लीजिए। सी एच मोड यू, अब इस बार आपको परमिशन रिमूव करने के लिए आपको माइनस ऑपरेटर यूज करना है, उसके बाद जो भी परमिशन आप रिमूव करना चाहते हैं उसका रेफरेंस आपको यहाँ पे लिखना है एक्स, एक्स यानी एग्जीक्यूट और उसके बाद उस फाइल का नाम। चेक कर लीजिए, तो देख लीजिए रीड एंड रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन थी ओनर को इस फाइल पर, तो अब जो परमिशन है ओनर को वो हो गई है रीड एंड राइट, पहले परमिशन थे रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, अब परमिशन है रीड एंड राइट, एग्जीक्यूट की जो परमिशन थी वो हमने रिमूव कर दी। उसी तरह अगर आपको ग्रुप के लिए रिमूव करनी है तो सी एच मोड जी माइनस डब्ल्यू स्पेस एबीसी डॉट टी एक्स टी, ठीक है, तो चेक कर लीजिए इसको भी, तो देख लीजिए यहां से डब्ल्यू इसने रिमूव कर दिया, फुल परमिशन थी ग्रुप को इस फाइल पर, तो इसने ओनली रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन एड कर दी, डब्ल्यू की जो परमिशन थी राइट की जो परमिशन थी वो हमने रिमूव कर दी। उसी तरह अगर आपको ऑल अदर यूजर्स के परमिशन को रिमूव करना है तो आपको टाइप करना ओ माइनस एक्स, एक्स की जगह जो भी परमिशन आप रिमूव करना चाहते हैं, अगर आप फुल परमिशन फुली डिनाई करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा आर डब्ल्यू एक्स, ये टाइप आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ओनली एग्जीक्यूट की परमिशन रिमूव करना चाहते हैं तो आपको टाइप करना है एक्स और उसके बाद उस डायरेक्टरी का नेम या उस फाइल का नेम, ठीक है। चेक कर लीजिए इसको भी, तो देख लीजिए जो एग्जीक्यूट की परमिशन थी ऑल अदर यूजर्स को एबीसी डॉट टी एक्स टी फाइल पर वो परमिशन अब रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह आप परमिशन को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। अब तीसरा ऑपरेटर था इक्वल, इक्वल या असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इस ऑपरेटर का यूज क्या होता है कि ये ओल्ड परमिशन को रिप्लेस करता है, जो एग्जिस्टिंग परमिशन होती है उसको रिप्लेस करता है, ठीक है। तो जैसे ओनर को इसको परमिशन है आर डब्ल्यू, ठीक है, अब मुझे अगर मैं इसको ओनर को U इक्वल टू W करता हूं, सॉरी X करता हूं और इसके बाद फाइल नेम, तो जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ओनर को कौन सी परमिशन रहेगी, सिर्फ एग्जीक्यूट की, वो रीड और राइट नहीं कर सकता, यानी पहले जो परमिशन थी अभी जो करंट परमिशन है वो कौन सी है रीड और राइट, तो इस परमिशन को रिप्लेस कर देगा X से, ठीक है। चेक कर लीजिए, तो देख लीजिए ओनर को कौन सी परमिशन रह गई है एग्जीक्यूट करने की, ठीक है, तो अब ओनर इस फाइल को सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकता है, रीड नहीं कर सकता और राइट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आप जब ये इक्वल सिंबल यूज करेंगे, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, इक्वल ऑपरेटर अगर यूज करते हैं तो ये क्या करता है एग्जिस्टिंग परमिशन को रिप्लेस करता है, ठीक है। अगर आपको एग्जिस्टिंग परमिशन के साथ में न्यू परमिशन एड करनी है तो आपको प्लस ऑपरेटर यूज करना है, अगर आपको परमिशन रिमूव करनी है तो आपको माइनस ऑपरेटर यूज करना है, अगर आपको परमिशन को रिप्लेस करना है तो आपको
इक्वल ऑपरेटर यूज करना है, इक्वल साइन यूज करना है। उसी तरह अगर आपको ग्रुप के लिए करना है तो आपको जी यूज करना है, अगर आपको और अदर यूजर्स के लिए करना है तो ओ यूज करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं सभी यूजर्स को ऑनर ग्रुप और ऑल अदर यूजर्स सभी को सेम परमिशन मुझे असाइन करना है। ठीक है, abc.txt फाइल पर, तो वो कैसे करते हैं? तो उसके दो तरीके हैं। पहला है chmod ugo plus rwx, यानी तीनों एक तरह के यूजर को मुझे इस फाइल पर abc.txt फाइल पर फुल परमिशन असाइन करनी है। तो मैंने क्या लिखा, परमिशन ugo plus rwx, यानी यूजर ग्रुप और ओनर। ठीक है, सॉरी, ओनर ग्रुप और ऑल अदर यूजर्स, सभी यूजर्स को इस फाइल पर abc.txt फाइल पर फुल परमिशन असाइन होगी, यानी रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। तीनों तरह के यूजर्स को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चेक कर लीजिए, तो देख लीजिए तीनों तरह के यूजर्स को यहां पर रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन असाइन हो चुकी है abc.txt फाइल पर। ठीक है, दूसरा तरीका है chmod a plus rwx। ठीक है, जैसे मैं रिमूव कर देता हूं rwx abc.txt, तो आप ugo की जगह आप a भी यूज कर सकते हैं, ugo को आप a से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप a यूज करेंगे इसका मतलब भी है कि ऑल यूजर्स हैं, ऑल यूजर्स पे वो परमिशन असाइन होगी। अगर आप ugo यूज करेंगे तो भी उसका मतलब भी सेम रहेगा कि वो सभी तरह के, तीनों तरह के यूजर्स पर वो परमिशन असाइन होगी। ठीक है, तो अगर मुझे फिर से मैं कमांड एग्जीक्यूट करता हूं, a प्लस rwx एग्जीक्यूट करता हूं abc.txt, तो देख लीजिए अब की बार उसे फिर से वही परमिशन असाइन हुई है जो हमने इस कमांड से की थी, यानी इस कमांड का और इस कमांड का सेम यूज है। ठीक है, तो इस तरह आप परमिशन को असाइन कर सकते हैं। अगर आपको रिप्लेस करना है परमिशन तो आपको इक्वल सिंबल यूज करना है, अगर आपको ऐड करनी है परमिशंस तो आपको प्लस सिंबल यूज करना है, अगर आपको रिमूव करनी है परमिशंस तो आपको माइनस साइन यूज करना है या माइनस ऑपरेटर यूज करना है। अब यहां पे एक डायरेक्टरी है testdir। ठीक है, तो testdir का ओनर कौन है, रूट, ग्रुप कौन है, रूट। ठीक है, तो इस फाइल का ग्रुप में चेंज कर, इस डायरेक्टरी का ग्रुप में चेंज कर देता हूं chgrp। पहले चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन कौन सा ग्रुप अवेलेबल है, cat/etc ग्रुप। तो हमारे पास माई ग्रुप नेम का एक ग्रुप अकाउंट है, ठीक है, और उसका एक मेंबर है a1। ठीक है, तो टेस्ट डीआर डायरेक्टरी का ग्रुप हम बना देते हैं माय ग्रुप को, तो chgrp स्पेस माय ग्रुप स्पेस टेस्ट डीआर। चेक कर लीजिए, तो टेस्ट डीआर डायरेक्टरी का नया ग्रुप कौन है, माय ग्रुप। ठीक है, और रूट, तो इस डीआर डायरेक्टरी पर ओनर को फुल परमिशंस है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की, ग्रुप को परमिशन है रीड एंड एग्जीक्यूट की, और ऑल अदर यूजर्स को परमिशन है रीड एंड एग्जीक्यूट। तो इस डायरेक्टरी पर हम ऑल अदर यूजर्स को परमिशन असाइन कर देते हैं फुली डिनाई, ठीक है, ताकि वो ओपन भी ना कर पाए। तो ऐड कर दीजिए chmod o माइनस rx testdir। तो हमने टेस्ट डीआर डायरेक्टरी से ऑल यूजर्स की सभी तरह की परमिशन रिमूव कर दी है। तो देख लीजिए यहां पर ऑल अदर यूजर्स को कोई भी परमिशन असाइन नहीं की हमने टेस्ट डीआर पर। तो चेक कर लीजिए, तो ए वन
ठीक है, इसका ओनर है इस बैटरी का ग्रुप, और ग्रुप है माई ग्रुप, ठीक है, तो और माई ग्रुप का मेंबर है A1, ठीक है, तो यहां पर चेक कर लीजिए, A1 से लॉगिन कीजिए, SU-A1, अभी हम A1 से लॉगिन है, ठीक है, टेस्ट या डायरेक्टरी पर ओनर को फुल परमिशन है और ग्रुप को रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन है और ऑल अदर यूजर्स को कोई भी परमिशन असाइन नहीं है। जब भी ऑल अदर यूजर्स इस डायरेक्टरी को एक्सेस करेंगे तो उनको एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा कि वो इस डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो A1 माई ग्रुप ग्रुप का मेंबर है और माई ग्रुप टेस्ट डायरेक्टरी का ग्रुप ओनर है, ठीक है, तो A1 इसको एक्सेस कर पाएगा, लेकिन A1 को कौन सी परमिशन असाइन होगी, रीड एंड एग्जीक्यूट की। तो चेक कर लीजिए CD, पहले चेक कर लीजिए टेस्ट या डायरेक्टरी का कंटेंट, A1 उस डायरेक्टरी का कंटेंट चेक कर पा रहा है या नहीं, LS-L टेस्ट DR, तो ये उसका कंटेंट चेक कर पा रहा है। उसके बाद इस डायरेक्टरी में जाइए LS-L, ठीक है, अब कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करके देखिए A1, तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है परमिशन डिनाइड, ठीक है, ये परमिशन डिनाइड क्यों बता रहा है, क्योंकि A1 इस डायरेक्टरी को सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है, रीड कर सकता है, ठीक है, लिस्ट आउट कंटेंट, इसके कंटेंट को लिस्ट आउट कर सकता है लेकिन इसको राइट नहीं कर सकता है, ठीक है, तो A1 को जो परमिशन मिल रही है रीड एंड एग्जीक्यूट की वो किस कारण मिल रही है, क्योंकि ये A1 माई ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, आप यहां चेक कर सकते हैं K/ETC/Group-5/Grape-My-Group, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं A1 किस ग्रुप का मेंबर है, माय ग्रुप ग्रुप का मेंबर है, इसलिए इस यूजर को A1 यूजर को रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन आसान हुई है इस डायरेक्टरी पर, क्योंकि ये इस ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, और इस ग्रुप को परमिशन है रीड एंड एग्जीक्यूट माई ग्रुप को, ठीक है, इसलिए A1 इस डायरेक्टरी को सिर्फ रीड एंड एग्जीक्यूट कर सकता, राइट नहीं कर सकता, इस डायरेक्टरी का ओनर इसको रीड एंड राइट कर सकता है टेस्ट डीआर को, ठीक, तो टेस्ट डीआर डायरेक्टरी का ओनर कौन है, रूट यूजर, ग्रुप ओनर कौन है, माय ग्रुप, ठीक है, अब हम A2 से लॉगिन करते हैं SU-root, तो A1 से हमने चेक किया कि A1 यूजर टेस्ट डीआर डायरेक्टरी को रीड कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको राइट नहीं कर सकता। अब हम A2 से लॉगिन करते हैं SU-A2, अब डायरेक्टरी चेंज कीजिए CD/ETC-My-Solutions, LS-L CD-MyDAR LS-L क्लियर LS-L, ठीक है, अब A2 से उस डायरेक्टरी का कंटेंट को चेक करके देखिए LS-L टेस्ट डीआर, तो यहां पर परमिशंस डिनाई मिल रहा है, ठीक है, A1 इसके कंटेंट को लिस्ट आउट कर पा रहा था टेस्ट डीआर डायरेक्टरी को, लेकिन A2 नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि A2 ने तो माय ग्रुप का मेंबर है और नहीं उस डायरेक्टरी का ओनर है, और A2 क्या है, ऑल अदर यूजर्स में आता है, किस में आता है, ऑल अदर यूजर्स में, तो ऑल अदर यूजर्स को यहाँ पर हमने कौन सी परमिशन दी है, फुली डिनाइड, कोई भी परमिशन हमने उसको असाइन नहीं की है, यानी जो ऑल अदर यूजर्स होंगे वो इस डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जब भी वो एक्सेस करेंगे तो उन्हें एक एरर मैसेज होगा परमिशन डिनाइड, ठीक है, यानी ये उस डायरेक्टरी कंटेंट को तो लिस्ट आउट कर सकते हैं और नहीं राइट कर सकते हैं, न रीड कर सकते हैं, न एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टरी में मूव करके देखिए कर पाता या नहीं, तो यहां पर भी एरर आ रही है कि A2 यूजर काउंट को इस डायरेक्टरी पर परमिशंस नहीं है, ठीक है, अब मैं रूट यूजर से लॉगिन करता हूं,
अब मैं ऑल ऑफ दिस यूजर्स को रीड ओनली की रीड की परमिशन दे देता हूं, ठीक है। तो सीडी सॉरी चमोड स्पेस ओ प्लस रीड यानी आर, उसके बाद टेस्ट डी आर एल एस अपन एल करके देखिए, तो ऑल अदर यूजर्स को रीड ओनली की परमिशन यहाँ पे असाइन हो चुकी है। अब ये ऑल अदर यूजर्स को किस तरह का राइट मिला है वो चेक करके देखिए, तो एस यू ए टू ठीक है, ऑल अदर यूजर्स को रीड ओनली परमिशन है। तो सबसे पहले कंटेंट लिस्ट आउट करके देखिए ये डायरेक्ट कंटेंट लिस्ट आउट कर पा रहा है या नहीं, तो देखिए डायरेक्ट कंटेंट लिस्ट आउट कर पा रहा है आपकी बार, पिछली बार ये नहीं कर पा रहा था क्योंकि फुली डिनाई परमिशन इसको असाइन थी। अब चेंज करके देखिए डायरेक्टरी में मूव करके देखिए, तो डायरेक्टरी का कंटेंट को लिस्ट आउट कर सकता है लेकिन उसको अंदर जा नहीं सकता, उस डायरेक्टरी के अंदर जा नहीं सकता है क्योंकि उसको एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, ठीक है। अगर आप एग्जीक्यूट की परमिशन भी इसको असाइन कर देंगे तो इस डायरेक्ट कंटेंट डायरेक्टरी के अंदर भी जा सकता है। जैसे वापिस रूट से लॉग इन कीजिए, ls-l chmod o plus x और टेस्ट डी आर, अब वापिस ए टू से लॉग इन करके देखिए, अब रीड एंड एग्जिट की परमिशन असाइन हो चुकी है ऑल अदर यूजर्स को एस यू ए टू ls-l ठीक है। अब चेक करके देखिए सीडी टेस्ट सीडी ls-l सीडी टेस्ट डी आर, तो अब की बार ये उस डायरेक्टरी में मूव कर पाया है, उस डायरेक्टरी को चेंज कर पाया है, ठीक है, क्योंकि उसको परमिशन कौन सी मिली थी, एग्जिट की परमिशन को मिल चुकी थी, ठीक है। अगर आप किसी डायरेक्टरी या फाइल पर आप एग्जिट की परमिशन नहीं देंगे तो वह यूजर उस डायरेक्टरी कंटेंट को रीड कर सकता है लेकिन उसके उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, ओपन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप परमिशंस को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो हमने सीखा कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल परमिशंस को सिंबॉलिक मोड या एक्सप्लिसिटली कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे असाइन किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।